हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ प्रगति। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। और आज मैं रिव्यू देने जा रही हूँ मामाअर्थ भिंग आमला हेयर ऑयल के बारे में। रिव्यू देने से पहले मैं ये बोलूँगी कि आप हेयर रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट के बारे में तभी रिव्यू दीजिए जब तक आप उसको अच्छी तरह से यूज़ ना करें लॉन्ग टाइम के लिए। क्योंकि हेयर प्रोडक्ट में रिव्यू यदि आप शॉर्ट टाइम के बाद ही देते हो तो उसका रिजल्ट आपको पता सही से नहीं चलता है। तो बहुत ज़रूरी है आप लॉन्ग टाइम उसकी यूज़ करने के बाद इसको रिव्यू दें। और मैं इसको 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। और उससे पहले मैंने मामाअर्थ के ही अनियन ऑयल हेयर ऑयल यूज़ की थी, जो वो भी अच्छी थी। पर इसकी रिव्यू देखने के बाद मैंने इसे भी ट्राई किया। 6 मंथ से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ और उसे मैंने परचेस की अमेजन से। और ये मेरे को काफ़ी अच्छी, मेरे इस हेयर के लिए तो काफ़ी बेनिफिट हुई है। और इसमें अच्छी बात यह है, इसकी पैकेजिंग भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। बहुत क्यूट है, जो इजीली आपके स्कैल्प में लग जाती है ऑयल्स। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो हेयर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है। ये इसमें भृंगराज है, जो हमारे हेयर्स को बहुत ही अच्छी नरिशिंग रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। आपको पता ही है कि पुराने समय में जब आयुर्वेदिक का समय था तब भृंगराज हमारे हेयर ट्रीटमेंट में मेन इंग्रेडिएंट्स में आती थी। क्योंकि भृंगराज को छोड़ के हम हेयर ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सोच पाते थे पुराने युग में। तो ये बहुत ही बेनिफिट है। और दूसरी बात है, इसमें आंवला है, जो आपकी हेयर को मतलब ग्रोथ में प्रोवाइड करता है, अच्छी ग्रोथिंग करता है। प्लस इसमें ब्लैक रखता है, हेयर्स को अच्छे रखता है, लॉन्ग लास्टिंग भी आपके हेयर को मतलब जो हेयर की लेंथ को भी सही बनाता है। तो ये काफ़ी अच्छी है। और भृंगराज में तो आपकी सब कुछ ही अवेलेबल है हेयर्स के ग्रोथ के लिए। जो भी है, ये बाल झड़ना बिल्कुल ही रोकता है। क्योंकि मैंने इसको जब यूज़ किया तो 6 मंथ तो मैंने अभी यूज़ किया, पर 1 मंथ में ही मेरे बाल काफ़ी झड़ने रुक गए थे। क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे को कंडीशनर पसंद नहीं है। तो जिससे मेरे बाल कंडीशनर लगाने से मेरे बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं। तो मैं यूज़ करती थी शैम्पू गुड वाइब्स की, जो बनाना शैम्पू, जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, वो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ। तो वो शैम्पू जब मैं यूज़ करती थी, तो यूज़ करती भी हूँ अभी भी, तो वो इस शैम्पू में मैं जब यूज़ करती हूँ उसमें मेरे को कभी भी कंडीशनर यूज़ नहीं करना पड़ता है। और हेयर ऑयल मेरा ये सही है, क्योंकि ये मेरे हेयर में जो फिजीनेस था वो भी कम कर चुका है। और मेरे हेयर सिल्की भी रहते हैं, सॉफ्ट भी रहते हैं, शाइनिंग भी रहते हैं, उलझे नहीं रहते नहीं हैं। और दोनों ही मेरे बहुत ही काम है। और भृंगराज में मेरे हेयर फॉल्स को काफ़ी हद तक रोक चुकी है और बहुत ही अच्छी है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं वो बता रही हूँ, ये है भृंगराज है, आंवला है, मेथी है, शिकागाई है, ब्रह्मी है, कॉम मिल्क है, उसके बाद इष्ट धातु है, ये जो छोटी छोटी हेना है, ये जो छोटी छोटी इंग्रेडिएंट्स हैं, 14 इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे हेयर के लिए काफ़ी बेनिफिट हैं। जो मैं आपको बोलूँगी, ये ऑयल्स में सारे गुण हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये भृंगराज और आंवला का मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें है। तो ये आपके हेयर को काफ़ी तरह से अच्छी रखेगी। और इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हो। और ये मैंने परचेस अमेजन से की हुई है, और ये हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छी बेनिफिट दे रहा है ये। और इसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।